वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले शोल्डर पहले अच्छे से वार्म कर ले, जिसमें हम साइड लेटरल से स्टार्ट करेंगे। वार्मअप सेशन खत्म होता है और चलते हैं अपने वर्कआउट की ओर। तो शोल्डर का फर्स्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं डंबल प्रेस से, जो कि 4 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन 10-12 रखेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा डंबल फ्रंट रेज, इसका भी लोग 4 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन 12-15 रखेंगे। बहुत कोई गलती क्या करते हैं, फ्रंट रेज मारते हैं तो अपना कॉलर को ज़्यादा हिट करते हैं, जबकि कॉलर को हिट नहीं करेंगे, सिर्फ अपना फ्रंट रेज इसके लिए है। वर्कआउट रहेगा साइड एक्टर रेज, इसका हम 4 सेट करेंगे और रिपीटेशन 12-15 रखेंगे। इसका भी हम 4 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन रखेंगे 10-12। तो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है वेट ओवर डंबल रेज, इसका भी हम 4 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन 15-20 रखेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट है रिवर्स बैकटेक फ्लाई, इसका भी हम 4 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन 20-25 रखेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट फेस पुल, जो कि हमारा ट्रैप को हिट करेगा, इसका भी हम 4 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन 15-20 रखेंगे। Mine will break. Will it break?
लास्ट वर्कआउट रहेगा सरक्स, इसका भी हम 4 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन 20 से 25 रखेंगे। You all from the enemy.